स्टूडियो का, घर के अंदर जो बता रहा हूँ, इस सेटअप का लोग 3-4 लाख रुपए मांग रहे हैं, 3-4 लाख रुपए जो इसका बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल तिलावत कोर्स। आज इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इस वीडियो में वो सिखाऊंगा जो कि आप लोगों को अभी तक किसी चैनल से ना पता चला होगा ना आगे आप लोगों को पता चलेगा। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, उसके बाद स्टार्ट किया जब मैंने ये सारी चीज़ें समझ ली, सारी चीज़ें सीख ली कि हम घर के अंदर होम स्टूडियो छोटा सा बना के वो भी कम खर्चे में और अपनी तिलावत को कैसे रिकॉर्ड करें और रिकॉर्डिंग के बाद उसकी एडिटिंग कैसे करें और उसके बाद अपना चैनल क्रिएट करके अपने यूट्यूब चैनल पर हम प्रोफेशनल लेवल पर और अपनी तिलावत को कैसे रिकॉर्ड करें और कैसे अपलोड करें। तो यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शुरू से लेके ए से लेके जेड तक सिखाऊंगा। आप लोगों ने सिर्फ वक्त देना है, थोड़ा सा आपका यहाँ पे वक्त जाएगा लेकिन आप लोग यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पे अपने घर के अंदर होम स्टूडियो बना के और अपनी घर के अंदर तिलावत प्रोफेशनल लेवल पे रिकॉर्ड करना सीख जाएंगे और एडिट करना भी सीख जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखें, काफ़ी लोगों का, काफ़ी दोस्तों का ये कहना है कि हमने यूट्यूब पर बड़ा सर्च किया, आप लोग इस तरह की कोई वीडियो नहीं मिली। अब करना क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मेरे इस चैनल बनाने के बाद काफ़ी मेरे दोस्त, काफ़ी हमारी बहनें जो कि कुरान पढ़ के भूल चुकी थी या फिर कुरान पढ़ा हुआ था, याद भी था लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी हम ये जो तिलावतें होती हैं ये किस तरह रिकॉर्ड होती हैं और किस तरह इनकी एडिटिंग होती है। वो ये समझते हैं कोई बड़ा स्टूडियो होता है, कोई बड़ी इसकी टीम होती है या कोई बहुत बड़ा खर्चा होता है इसके पीछे, तभी जाके ऐसी तिलावत बनती है जो कि आपने शुरू में सुनी। मजीद सुनना चाहते हैं आप मेरे चैनल पे चले जाएं, कारी अब्दुल वहाब चांग चैनल है और दूसरा स्मूथ कुरान चैनल है। जैसा कि आप अब्दुलरहमान मसद की तिलावत सुनते हैं, शरीफ मुस्तफ़ा की सुनते हैं, इस्लाम सभी की सुनते हैं, इस तरह की जो अरब कंट्रीज़ की आप लोग तिलावतें सुनते हैं उनकी जो साउंड क्वालिटी होती है वो कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे आज डिटेल्स में बताऊंगा ताकि आप लोग घर के अंदर ये चीज़ें कर सकें। पहले चीज़ तो आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं थी, ठीक है? तो आप लोगों की ये जो है ख्वाब होते हैं कि हम भी इस तरीके से तिलावत करें, हम भी इस तरीके से एडिटिंग करें, ये कैसे करें, एक आप लोगों का ख्वाब ख्वाब ही रह जाता है और आप लोगों को समझ नहीं आती कि ये आखिर कैसे होता है, अगर होता है तो इसके पीछे कितना खर्चा होता है। तो मेरे भाई, थोड़े से खर्चे के अंदर आप लोगों का घर के अंदर होम स्टूडियो मैं बनवाने जा रहा हूं। आप वीडियो को बस शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी बात क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। देखें, पहले आप लोग क्या करते हैं, बाहर जाके रिकॉर्डिंग करवाते थे, किसी न किसी स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग करवाते थे, कहीं कहीं एक एक तिलावत के आप लोगों के 10,000, 15,000, 20,000 चार्ज कर लेते एक तिलावत के। उसके बाद उसकी एडिटिंग भी ऐसे की जाती है जिससे आप फिर भी खुद मुतमइन नहीं होते। अभी जैसा कि आपने इंटरव्यू में सुना, मजीद मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं एंड मोबाइल की स्क्रीन पे मैं तस्वीर दे दूंगा, आप जाए उनको सब्सक्राइब करें, वहां सुने, तसल्ली करें, यही चीज़ आप लोगों को इसके अंदर बताऊंगा। अब आपने क्या करना है, अब बात यहां से शुरू हो रही है, गौर से सुनिएगा और समझिएगा, उसके बाद फिर कोई बात समझनी है तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़, अगर आप प्रो लेवल पर अरब के कारियों की तरह तिलावत करना चाह रहे हैं, मेरी तरह तिलावत करना चाह रहे हैं, स्मूथ तिलावत करना चाह रहे हैं, उसकी एडिटिंग करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई इसके अंदर इतना खर्चा नहीं है कि आप कर ना सको, क्योंकि आप लोगों को पहले इस तरह का समझाने वाला कोई नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो आप लोगों को समझ ही नहीं आती थी आखिर ये चीज़ बनती कैसे है। अगर बनती है तो आप लोग सोचते थे कोई इसके पीछे लाखों का खर्चा है, और हाँ, लोग मांग रहे हैं, लोग इस चीज़ के आप लोगों से लाखों रुपए मांग रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरा देख लीजिएगा, बाकायदा प्रूफ के साथ वॉइस सुनाइए कि अगले लोग इस जो सेटअप आप लोगों को मैं बता रहा हूँ होम स्टूडियो का, घर के अंदर जो बता रहा हूँ, इस सेटअप का लोग 3-4 लाख रुपये मांग रहे हैं, 3-4 लाख रुपये जो इसका बता रहा हूँ, ठीक है? वहाँ आप लोगों का चंद खर्चे के अंदर वो आप डिटेल्स में आपको बताऊँगा व्हाट्सएप पर, ठीक है? सुनिएगा, सबसे पहले क्या करना है, आपने एक लैपटॉप ले लेना है, या तो होता है आप लोगों के घर में अक्सर लैपटॉप होता है, ठीक है? अगर है तो ठीक है, ये खर्चा बच जाएगा, नहीं तो एक नंबर पे लैपटॉप, दूसरे नंबर पे माइक, यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन मोनो का, चाहे फिर कोई सा भी हो। देखें, ये दो चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पर आता है प्रो प्लगइन्स की साउंड क्वालिटी, जो कि आप लोगों को मुझसे मिलेगी। देखें, मुझसे आप लोगों को यही चीज़ मिलेगी, ठीक है? माइक आप लोगों को खुद लेना है, Amazon से दराज से सर्च करें, आपको Facebook में भी मार्केट का ऑप्शन है, ओलेक्स पे भी है, कराची में है तो सदर में मिल जाएगा, ठीक है? माइक आपने खुद लेना है, लैपटॉप आपका खुद होगा, असल जो तिलावत की साउंड क्वालिटी होती है, जो आप सुनते हैं, गूंज सुनते हैं, वो होते हैं प्रो प्लगइन्स FL स्टूडियो के, ठीक है? अगर FL स्टूडियो आपके पास है तो वो आप लोगों को प्रो प्लगइन्स का दिए जाएंगे, ठीक है? असल जो साउंड क्वालिटी है तो वो प्रो प्लगइन्स की होती है, जो कि मेरी तिलावत में सुनते हैं और अरब कारियों की तिलावत में सुनते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों का, काफ़ी भाइयों का ये मानना होता है कि जो साउंड क्वालिटी होती है ये माइक की होती है।
मेरे भाई माइक लाखों का हो या हजारों का हो, माइक ने आपकी नॉर्मल रिकॉर्डिंग करनी होती है। माइक के अंदर ये साउंड क्वालिटी नहीं होती जो आप गूंज सुनते हैं, रिवर्ब सुनते हैं, इको सुनते हैं, ये माइक के अंदर नहीं होता मेरा भाई, ये असल होती है प्रो प्लगइन्स की। अब आप लोगों को बोलेंगे ये प्रो प्लगइन्स क्या होते हैं। देखिए अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर एक एप्लीकेशन होती है, वो होती है FL Studio और Audacity। Audacity आप लोगों को गूगल से आराम से मिल जाएगी, ठीक है, FL Studio मिल जाता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपको वो मुझसे मिल जाएगा। जब आप प्रो प्लगइन्स लेंगे उसके साथ आपको FL Studio भी दिया जाएगा। तो ये जो प्रो प्लगइन्स होते हैं साउंड क्वालिटी के, ये FL Studio के अंदर लगते हैं, इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, तिलावत रिकॉर्ड करते हैं, वहां पे उस तिलावत को लगाते हैं और वो प्लगइन्स अप्लाई करेंगे तो वो साउंड क्वालिटी आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात सुने, ये तीन चीजें आपको चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो ठीक है, नहीं फिर आपका माइक का खर्चा है, ठीक है। माइक आपको जो समझ में आए, जो आपको ठीक लगे कहेंगे तो आप लोगों को व्हाट्सएप पे आके बता दूंगा, आप लोगों को बाकायदा तस्वीर भेज दूंगा कि इस तरह का आप माइक ले लें, ठीक है। माइक भी ले लिया, लैपटॉप भी ले लिया। तीसरे नंबर पे आते हैं प्रो प्लगइन्स, जो कि आप लोग किसी वेबसाइट से बाय करते हैं। पहली चीज तो ये मिलते ही नहीं है, रियल ओरिजिनल चीज कहीं से शायद आप लोगों को मिले, कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आप लोगों को मेरे से मिलेगी। इसका फर्स्ट ओनर मैं हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है, सऊदीया में रहा, इजिप्ट में रहा, इन कार्यों के साथ रहा, फिर ये चीज़ समझ में आई कि ये चीज़ आखिर प्रो प्लगइन्स होते हैं जिसकी हम साउंड क्वालिटी सुनते हैं अक्सर कार्यों की तलावत में, मेरी तलावत में, ये उस चीज़ का होता है। ये आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, अगर कहीं से मिल भी गए तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप लोगों को मैं दूंगा। इसलिए मैंने अक्सर वीडियो में ये भी कहा है, अच्छा ये भी सुन ले, अगर आपको बाहर कोई ये चीज़ देता है प्रो प्लगइन्स बोल के, तो कुछ पता नहीं है आप लोगों को, वल्ला आलम क्या दर है। क्योंकि मेरे इस चैनल के बाद काफी लोगों ने चैनल बना के इस काम को बिजनेस बना लिया है, कारोबार बना लिया है। नहीं पता उनको, कुछ नहीं पता कि ये चीज क्या है और वल्ला आलम क्या दे रहे हैं, बस लोगों ने क्या किया है, इस चीज को बिजनेस बना लिया है, ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे लेंगे, मैं आपको बिल्कुल निहायत इन प्रो प्लगइन्स की, मेरे पास सिर्फ प्राइस होती है, बाकी तो किसी चीज़ की नहीं होती, मैं आपको उसका बता दूंगा। आपको लाइफ टाइम दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट के साथ दिए जाएंगे, लगाने का तरीका हर चीज़ आपको दी जाएगी। इसके अंदर आपका प्रोफेशनल लेवल पे घर के अंदर छोटा सा होम स्टूडियो बन जाएगा और आप बे इंतहा लाइफ टाइम अपनी रिकॉर्डिंग करें, एडिटिंग करें और अपने चैनल पर अपलोड करते रहें। अब बात सुनने, यहाँ पे मैंने कहा है कि ये चीज़ें बहुत आम हो चुकी हैं, हर लोग ये चीज़ें कर रहा है, हर कोई मेरे नाम का वो बोल रहा है कि ये वही चीज़ें जो मैं दे रहा हूँ, आप मुझसे ले लें, मैं इतने के दे दूंगा, आप मुझसे ले लें, मैं फ्री में दे दूंगा। मैंने अक्सर कहा है अगर आप लोगों को ये चीज़ें बाहर से फ्री में भी मिलती है, फ्री में भी मत लीजिएगा, क्योंकि वल्ला आलम कुछ नहीं पता ये वायरस है, क्योंकि मैं इसको चेक कर चुका हूँ। नॉर्मल बंदा होके इन चीज़ों से, इन लोगों से मैंने ये चीज़ें ली, मैं अपना लैपटॉप ख़राब कर चुका हूँ, रिपेयर के लिए दिया, लोग उसने कहा कि फेंक दो, अब ये कचरा बन चुका है, ये रिपेयर नहीं हो सकता, वो ऐसी चीज़ है क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ। इसलिए चले आप लोगों को बाहर से कहीं से मिल भी जाते हैं, फ्री में भी चलो आप रिस्क ले लेते हैं, तो मैंने ये भी कहा है आप लोगों के पास प्रो प्लगइन्स का हो जाना कोई बड़ा कमाल नहीं है, जब तक उसके लगाने का तरीका आप लोगों को ना पता हो। मेन चीज़ होती है लगाना, हर प्लगइन्स के अंदर कितनी स्पीड रखनी है, इको की कितनी रखनी है, रिवर्ब की कितनी रखनी है, ये चीज़ मायने रखती है और इसी को ही मैं प्रोजेक्ट कहता हूँ। मतलब जब आप मुझसे व्हाट्सएप पर ये चीज़ें लेंगे तो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, मतलब वीडियो की शक्ल में आपको एक वीडियो भेजी जाएगी जिसको देख के आप ये अपनी ऑडियो के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट लगाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर भी कोई मसला मसाइल आता है दूसरे महीने तीसरे महीने जब भी मैं आप लोगों हाजिर हूं, मैं आप लोगों को गाइड भी करता हूं, लगाने का तरीका हर चीज बताता हूं। काफी लोगों ने सब कुछ जानने के बावजूद भी बाहर से लेकर आ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर ये तो हो ही नहीं रहा, सर ये तो वो चीज ही नहीं बन रही जो आपकी तलावत में होती है। तो मेरे भाई जब आप मेरी नहीं सुनोगे, एक कान से दूसरे कान से निकाल दोगे, फिर अपनी करोगे, कहीं बाहर से लेकर आओगे, तो मेरे भाई अपना ही नुकसान करोगे, या तो लैपटॉप खराब करके बैठ जाओगे, या जितने भी दिए हैं फ्री में दिए हैं, जितने भी पैसे दिए हैं वो भी आप लगा के आ जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चीजें जिसको भी घर के अंदर होम स्टूडियो बनाना है तो लैपटॉप ले, माइक ले, तीसरे नंबर पे ये प्रो प्लगइन्स ले, इन तीन चीज़ों के अंदर यूँ समझे आपका 15 से 20 हज़ार के अंदर आपका ये पूरा सेटअप बन जाएगा होम स्टूडियो का घर के अंदर, वो भी प्रोफेशनल लेवल पे। मेरे भाई बाहर आप 15-20 हज़ार एक तिलावत के रिकॉर्ड करने के रहते हैं, वहाँ आप अपने घर के अंदर करें। देखिए मैंने अक्सर कहा है कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, जाहिर सी बात है उसमें इन्वेस्ट तो होता है ना, होता है कि नहीं होता। अगर आज इन्वेस्ट करेंगे, आज खर्चा करेंगे, अपने घर के अंदर होम स्टूडियो बनाएंगे, कल को आप प्रोफेशनल लेवल पे रिकॉर्डिंग करके अपना यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करके मेरे भाई वहां से आप मोनिटाइज करके चैनल को अर्निंग कमा भी सकते हैं, वहां से आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। देखिए मैंने ये भी कहा है अगर आप लोगों के तिलावत के चैनल हैं, अगर आप उसके ऊपर तिलावत क्वालिटी सही नहीं दे रहे, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहे, तिलावत के चैनल पर क्या होता है मुझे बताएं ना, सुनने वाली चीज़ होती है ना, देखने वाली तो नहीं होती, लेकिन हमारी तिलावत को सुनते हैं। जब आपकी तिलावत आपके चैनल पे आपकी तिलावत की साउंड क्वालिटी बेहतर नहीं होगी तो मुझे पता है आपको कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा।
जो आप थोड़ा सा सुनेंगे उनको साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं लगेगी, तो मेरे भाई वो आपको स्किप करके आगे किसी और चैनल पे चले जाएंगे। इस तरीके से आपका चैनल ग्रो ही नहीं होता और आपका चैनल चलने से पहले ही डेड हो जाता है। उसकी मेन वजह यही होती है। इसलिए कहता हूँ मेरे भाई, शुरू में थोड़ा बहुत खर्चा करें, अपनी तिलावत भी साउंड क्वालिटी पर खर्चा करें, प्रॉपर प्लगइन्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी तिलावत को सुना जाए। जब क्लिक हो आपकी तिलावत की साउंड क्वालिटी ऐसी हो कि क्लिक होते ही जब आपकी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब वही वीडियो आपकी वायरल भी होती है, वही चैनल ग्रो भी होता है। समझ गए मेरे भाई? तो शुरू में आप इन्वेस्ट करें, उसके बाद आप अपने ऑडियंस को वो साउंड क्वालिटी दें तिलावत की कि वो सुनते ही चले जाएं और आपकी अगली तिलावत का इंतजार करें। जब आपकी तिलावत की साउंड क्वालिटी बेहतर नहीं होगी तो मेरे भाई आप यूट्यूब चैनल पर ग्रो ही नहीं कर सकते, अगर आपका तिलावत का चैनल है तो। ठीक है, शुरू में खर्चा करें, फिर आप ही वो यूट्यूब पे ही अर्निंग कराएंगे, कमाएंगे। जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल तिलावत के सारे मोनेटाइज है और मैं अर्निंग कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। क्यों? मैं बेस्ट क्वालिटी दे रहा हूँ, मैं अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ। मेरी तिलावतों को लोग रात को प्ले करके सुनते हैं, प्ले लिस्ट पे लगा के सुन लेते हैं और बार बार सुनते हैं। उसका फायदा हो रहा है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी क्या वजह है? कि मैं अपनी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब बेहतरीन दे रहा हूँ। चले, आपके पास और कुछ नहीं है, वीडियो क्वालिटी नहीं दे सकते, कम से कम ऑडियो क्वालिटी तो अच्छी दें, और वो इसी प्रो प्लगइन से ही बनेगी। समझ गए मेरे भाई? तो आप मुझसे रब्ता करें, व्हाट्सअप नंबर है, आप लोगों को पूरी डिटेल्स मजीद उसमें दी जाएगी, बताई जाएगी कि किस तरह देना है। जहां भी दुनिया के किसी कोने में भी है मेरे भाई, आपको ये चीजें व्हाट्सएप पे दी जाती हैं। प्रो प्लगइन्स आपको व्हाट्सएप पे दी जाते हैं, लगाने का तरीका, इंस्टॉल करने का तरीका, सब चीजें आपको व्हाट्सएप पे दी जाती हैं। तो मैं कहता हूं भाई, देर नहीं करें, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, अपनी तिलावत को प्रोफेशनल बनाएं, प्रोफेशनल लेवल पे रिकॉर्ड करें और चैनल क्रिएट करें और अपने यूट्यूब पे अर्निंग का अर्निंग भी करें और सवाब भी कमाएं। अगर आपको कुरान पढ़ना आता है तो मेरे भाई फिर आप देर ना करें, क्योंकि इस वक्त अगर आप कुरान पढ़ना जानते हैं तो बेहतरीन है इस वक्त टॉपिक कुरान का यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि सूरह मुल्क ये इस तरह की हम दूसरे तीसरे दिन फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर टेक का चैनल है उसे हमें टॉपिक सोचने पड़ते हैं कि अगला क्या हो, अगला हम उसको क्या सिखाएं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे भाई। तो कोशिश करें, इस पे फोकस करें, तिलावत का चैनल क्रिएट करें। अगर हाफिज़ हैं, अगर कारी हैं या कुरान पढ़ना नाजरा जानते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मतलब हर कोई घर पे बैठ के छोटा सा होम स्टूडियो बना के अपनी प्रोफेशनल लेवल पे रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब से अर्निंग करें। समझ गए बात? क्लियर हो गई? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा। जो चीज़ फिर भी समझ नहीं आए, मेरा व्हाट्सअप पे नंबर होता है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए। तो इस तरीके से शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह ताला आप ही का चैनल ग्रो होगा अगर आप साउंड क्वालिटी अच्छी देंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।